हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C ऑन डायगोनल BD। शो दैट ट्राइंगल APB इज कॉन्गुरेंट टू ट्राइंगल CPD। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें बोला है ABCD एक पैरेललोग्राम है। जब भी पैरेललोग्राम है तो क्या होगी, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। एंड देन उसके बाद बोला है AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर। ये इस पर परपेंडिकुलर है तो मीन्स ये क्या है, 90 डिग्रीज। एंड देन शो करना है हमें ट्राइंगल ए पी बी मीन्स ये ट्राइंगल एंड सी क्यू डी ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इसको, प्रूफ करते हैं हम इन ट्राइंगल। हम अभी तक करते हैं जो भी हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है वही ट्राइंगल्स हम लेते हैं। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD ये दोनों ट्राइंगल ले लिए, ठीक है। अब देखिए इस ट्राइंगल में ये साइड इस टाइप के इक्वल होगी, ठीक है। मीन्स AB इज इक्वल्स टू CD। वाई? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंड सेकेंडली ये देखिए, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल बन रहा है। देखिए ऐसे जेड, जब जेड फॉर्म होती है तो कौन सा एंगल बनता हमारा, अल्टरनेट एंगल। हम नाम भी देख सकते हैं, 1 2, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 वाई अल्टरनेट एंगल्स, राइट स्टूडेंट्स। एंड देन थर्ड थिंग हमें क्या है, ये 90 डिग्री है। इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल में ये, तो ये 90 डिग्री हो गया। एंगल ए, इसको कोई भी नाम दे देते हैं, इसको 1 2 दिया था, 3 and 4 ले लेते हैं। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 ईच 90 डिग्री। दोनों 90 डिग्री हैं, इसलिए क्या हो गया ये, ईच 90 डिग्री। हम देखें देयरफॉर ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, ठीक है। बाय देखिए एंगल साइड, हमने ये एंगल प्रूफ किया था, ये एंगल प्रूफ किया था और ये साइड प्रूफ की थी, इसलिए एंगल साइड रूल लगेगा, मतलब AAS रूल। Therefore, ये प्रूफ हो गया इस तरीके से। AP और CQ देखिए, APB ट्राइंगल में क्या रहा है हमारा, AP आ रहा है, ठीक है। और यहाँ क्या आ रहा है, ये P है, एंड आ रहा है AC, तो AP इज इक्वल्स टू CQ बाय CPCT CPCT से प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। Thank you students, thank you for watching my video. If you like my video then please share my video and subscribe my channel.